आप जब कभी भी ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने का सोचते हैं तो उस टाइम पे जो आपको सबसे ज़्यादा मसला आता है वो यही होता है कि स्टूडेंट्स कैसे फाइंड किए जाएं, बच्चों को कैसे ढूंढा जाए। आपके लिए यही बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। आपको कुरान पाक पढ़ाना आता है, आप हिफ्ज भी करवा सकते हैं, आप तजवीद भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे नहीं मिलते। आज जो मैं आपको तरीका बताऊँगी, इस तरीके से आपको 100% बच्चे मिलेंगे। आप चाहें तो 5, 6, 7, 8, 10 बच्चों को एक साथ भी पढ़ा सकते हैं। और ये सारे बच्चे पाकिस्तान के नहीं हैं, ये सारे बच्चे आपको UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्री से मिलेंगे, जहाँ से आपको हदिया, आपको आपकी फ़ीस अच्छी खासी मिलती है। जानना चाहते हैं, अगर काम करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शिज़ाराना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था और बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने के हवाले से। उसमें भी मैंने आपको बिल्कुल अथेंटिक मैथड्स बताए थे जिसके ज़रिए आप कुरान पाक पढ़ा के अर्निंग कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को वो रोज़गार मिल भी गया और बहुत सारे लोगों ने उस मेथड को फॉलो किया और अब वो कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, अगर आप चाहें तो ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं और उन मेथड से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे। मतलब ये कि आप एक जगह पे जाएं और आपको वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएँ जो कि ऑलरेडी आपके इंतज़ार में हों। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, क्योंकि मैं फेसबुक की बात नहीं करी, मैं फाइवर की बात नहीं करी, मैं अपवर्क की बात नहीं करी और ना ही मैं किसी एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप है फ्रीलांसिंग विद शिज़ाराना के चैनल पे। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने स्टूडेंट्स किस तरीके से फाइंड करने हैं, और सिर्फ ये नहीं कि फाइंड करने हैं, वो आपको मिलेंगे भी, ऑलरेडी आपके इंतजार में वो बैठे हुए होंगे। तो ये मेथड बताने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, बापर्दा खवातीन, जो सामने नहीं आना चाहती, जो और कोई ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकती हैं, उनकी तालीम नहीं है, वो सिर्फ कुरान पाक पढ़ाना जानती हैं। तो आप कुरान पाक पढ़ा के भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड ठीक कर सकते हैं, और इसके अलावा ये कि आप अपनी नीयत अच्छी रखिए तो स्वाब तो आपको मिलेगा ही। तो अगर आप जाना चाहते हैं और कुरान पाक पढ़ा के आप दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत का भी सामान करना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने आपकी आसानी के लिए इस पूरी वेबसाइट को समझने के लिए, पढ़ाने के मेथड को और स्टूडेंट को फाइंड करने के मेथड को समझाने के लिए ख़ुद ही सारी डिटेल बताई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि यहाँ से ये रिकमेंडेड का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपने स्टूडेंट्स की वो लिस्ट आ जाएगी जो कि आपके साथ परफेक्टली मैच होंगे। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से रिसीव इन्वाइट्स में ये कह रहे हैं कि आपको वो तमाम इन्विटेशन मिलेंगे जो स्टूडेंट्स की तरफ से आएंगे, जिनको आपने एक्सेप्ट करना है और उन बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पर करेंट स्टूडेंट में आपके बस वो तमाम स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनको आप पढ़ा रहे होंगे, वो वाली तमाम डिटेल आ जाएगी, आप इनको पढ़ के भी देख सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ आपने ज्वाइन कैसे करना है। फिर मैसेजेस में आपको वो तमाम मैसेजेस जो है वो सेंड होंगे, रिसीव होंगे, जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। बिलिंग के ऑप्शन का मतलब यह है कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो यहाँ पर इसकी डिटेल होगी। बेसिकली आपको वो किस तरीके से चार्ज करना है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको डन कर देती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ किस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर देखिए, ये tutor.com के नाम से वेबसाइट आ रही है, बिल्कुल 100% लेजिट वेबसाइट है, आप इसकी भी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि आपका रेट है, आपका टाइम है और आपकी चॉइस है, कुरान पाक पढ़ाना है, क्लासेस देनी है, तजवीद वगैरह करवानी है। और यहाँ पर आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 4.9 इसकी रेटिंग है, मतलब बेहतरीन किस्म की रेटिंग है। और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो 23,000 के करीब हैं, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो सिर्फ 1200 हैं। 1200 टीचर्स जो हैं वो 23,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन जो क्लासेस हो चुकी हैं वो 3 लाख से अबव हैं। अब 3 स्टेप्स में यहाँ पर ये स्टूडेंट के लिए है जो इनको सेट कर सकते हैं कि आपने ट्यूटर को फाइंड करना है, अपना प्लान बनाना है, और उसके बाद आपने पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि इतना ट्रस्टेड है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इसको, कि अगर आपकी तालीम कम है, आपको पढ़ना नहीं आता, तो ये आप आसानी से यहाँ पर काम कर सकते हैं, कि अगर आपको वेबसाइट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो भी। तो ये बाकी चीज़ें मैं आपको भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये फीमेल कुरान टीचर्स भी अवेलेबल हैं, ये सब बता रहे हैं आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, और ये नहीं है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर ये मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं, मतलब ये कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन पे भी काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आपने लॉगिन कैसे होना है, उसके लिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड एज अ ट्यूटर का। आपने पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है, फिर उसको लॉन्च करना है, और उसके बाद आपने पढ़ाना है और पैसे कमाने हैं। यहाँ से साइन अप एज अ ट्यूटर करके आपने अपना अकाउंट बना लेना है, अपना नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना जेंडर बताना है। पासवर्ड आपने ईमेल वाला नहीं देना, खुद से सेट करना है, और उसके बाद वही वाला पासवर्ड अगेन कंफर्म कर देना है। फ़ोन नंबर देना है, कंट्री देना है, और उसके बाद टाइम जोन देना
करना है टाइम जोन, जैसे ही आप अपना कंट्री देंगे टाइम जोन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हमारा पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान का आ जाएगा, आपका इंडिया है तो आपका इंडिया का आ जाएगा। सिटी दे देना है और यहाँ से ये चारों को चेक कर देना है, मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, तजवीद भी करवानी है, या जो आपको लगता है आपने वो करवा के ओके कर देना है कैप्चा टाइप करके। अगला पेज आपके सामने ये वाला आ जाता है, थैंक यू फॉर साइनिंग अप। अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि आप अपनी ईमेल पे जाइए जो कि हमने दी है, वहाँ पर इस तरीके की ईमेल आएगी और एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करके आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद ये तमाम वही चीज़ें आएगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। एप्लीकेशन वेबसाइट आपको खुद सिखाएगी कि आपने किस तरीके से काम करना है। अब खोलते ही हमारे पास ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है जो कि कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, हम इन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, ये US के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन उससे पहले हमने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। उसको बिल्ड करने के लिए क्या करना है, यहाँ से एडिट प्रोफाइल में आना है और यहाँ पर आपने अपना अर्ली रेट सेट करना है, जितना भी है। जैसे मैंने यहाँ पर $10 लिखा है। उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने वो वाली ज़ुबान लिख लेनी है जितनी ज़ुबानें आपको आती हैं। उसके बाद आपने अपना फ़िका लिखना है, जो भी आपका फ़िका है, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट में ये आ रहा है। उसके बाद आपने अपना सेक्शन लिखना है, जैसे कि आप अगर सुन्नी है या अहले तशी है जो भी हैं आपने वो लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अब अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी एक नकाब वाली भी पिक्चर अपलोड कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने अपनी एक तिलावत की वीडियो बना लेनी है और वो वीडियो आपने यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है, जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर या फ़ोन में होगी। उसके बाद आपने अबाउट सेक्शन में एक बहुत तगड़ा सा जो है वो बायो लिखना है, जिसमें आपने अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। अगर आपको नहीं लिखना आता तो आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, आई एम अ स्किल्ड एंड किट ऑनलाइन कुरान टीचर विद एक्सपर्टीज़ इन तजवीद एंड तफसीर डेडिकेटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स ऑफ ऑल। अच्छा, ये सब आप पढ़ लीजिए, ये सब कुछ मैंने लिखा है आप लोगों की रहनुमाई के लिए लिखा है। इसको मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा देती हूँ। तो ये सब कुछ आपने लिख लेना है या इसी से मिलता जुलता लिख लीजिए। उसके बाद स्किल्स में आपने तमाम चारों के चारों को चेक कर देना है, क्योंकि आप ये चारों काम करना जानते होंगे। जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टूडेंट आपको एज अ ट्यूटर हायर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दे देनी है, अगर आपने पहले कभी कहीं पढ़ाया है आपने वो बता देना है। इमेज भी सेंड कर सकते हैं अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है। इस तरीके से आपने ये डिटेल डाल के सेव कर लेनी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको रहने भी दे सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है अब वो मॉडरेट अभी नहीं है, उसको कम्प्लीट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्यों लगेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ऑफलाइन शो हो रही हूँ और ये वाला वो पूरा पेज आ गया है, पूरा स्केड्यूल आ गया है। जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी तो यहाँ पर वो तमाम डिटेल आ जाएंगी, किस दिन में कितना कितने बजे किस तरीके से मैंने पढ़ाया, वो वाली सारी डिटेल यहाँ पर फिल होती भी जाएंगी। और यहाँ पर आपके स्टूडेंट के मैसेजेस होंगे, जोन से भी जिस भी स्टूडेंट से आपने बात की है, वो वाली तमाम डिटेल यहाँ पर आएंगी। उसके बाद यहाँ पर ये तमाम रेटिंग आएगी कि आपकी रेसिटेशन में क्या रेटिंग मिली है, आपको अरेबिक में क्या मिली है, अगर आप हिफ्ज़ करवा रहे हैं उसमें आपको क्या रेटिंग मिली है। और ये रेटिंग्स आपके अकाउंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब यहाँ से देखिए मैं डैशबोर्ड में आई तो यहाँ पर जो मैंने अपनी डिटेल डाली हैं उसके हवाले से मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं। ये तंजानिया से हैं, कनाडा से है, UAE से हैं। ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी कैटेगरी से मैच करते हैं, जो कि मैंने अपनी डिटेल दी है। अब आपने पढ़ाना कैसे, उसके लिए आपने यह क्लासरूम डेमो में आना है। बहुत आसान तरीका इन्होंने बताया हुआ है। जब आप पढ़ाएंगे तो ये जो ब्लैक इमेज है यहाँ पर आपकी पिक्चर शो होगी, सॉरी वीडियो शो होगी, और इस तरीके से आपके सामने पेज लिखा हुआ आएगा, वो पेज सामने आएगा जो आप पढ़ा रहे होंगे। यहाँ से आप राइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिख के भी सिखा सकते हैं। सेम यही वाली स्क्रीन आपके स्टूडेंट को भी शो हो रही होगी, तो आप अगर उसको कुछ सिखाना समझाना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे इसके टूल्स हैं जो कि मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ, ये आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आप बिल्कुल बिगनर लेवल के हैं और आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पर ट्रेनिंग एरिया पे आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस के ज़रिए सिखाया हुआ है कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे टीचिंग का स्केड्यूल बनाना है, कैसे स्टूडेंट्स को फाइंड करना है, कैसे उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। ये तकरीबन 8-10 के करीब वीडियोज़ हैं। आप इन तमाम वीडियोज़ को देखिए और ये देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन माइंड में नहीं रहेगा पढ़ाने से, अकाउंट बनाने से लेके एंड तक, मतलब पैसे किस तरीके से लेने हैं, वो तमाम डिटेल इन्हीं वीडियोज़ में मौजूद है। आपने इन वीडियोस को देखना है, एक दफा नहीं देखना, दो दफा नहीं देखना, 3-4-5 दफा अच्छे तरीके से बार बार देखना है, और उसके बाद आपको एक टेस्ट देना है यहां पर, जो ये टेक टेस्ट आ रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपने टेस्ट देना है ये तकरीबन $8 का एक टेस्ट है, जो कि आपने पास करना है। अगर आप पास होते हैं तभी आपको इस वेबसाइट के ऊपर एज अ ट्यूटर हायर किया जाएगा, और अगर आप फर्स्ट टेस्ट को फेल कर देते हैं तो आपका सेकेंड टेस्ट होगा जो कि तकरीबन 1-2 महीने के अंदर होगा, और उस टाइम पर आपको $6 के करीब
तरतीब देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप जब ये पास कर लेते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से अनगिनत स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। और स्टूडेंट से अपने पैसे कैसे लेने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्टली आपने अपने स्टूडेंट से लेने हैं, ये वेबसाइट आपसे ना पैसे लेगी और ना ही कोई स्टूडेंट से पैसे लेगी। ये सारा काम आपने खुद डायरेक्टली अपने स्टूडेंट के साथ करना है। यहाँ पर फाइवर या अपक वाला सीन नहीं है, मतलब ये कि आपको सिर्फ ये स्टूडेंट देगी और स्टूडेंट देने के बाद जो आपने पैसे लेने हैं वो आपने डायरेक्टली अपने स्टूडेंट से लेने हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट में या जिस भी तरीके से आप मंगवाना चाहें आप उस तरीके से मंगवा लेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही होगी कि यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस देने हैं, $8 देने हैं, उसके बाद सेकेंड टेस्ट में आपको वो $5-6 देने हैं, तो ये 2 से 2500 रुपये बनते हैं। अब मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि कंपनी ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। इस बात का मतलब यह है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आए, यहाँ पर जो कारी हाफिज टीचर आए, वो भी अथेंटिक हो। ऐसे नहीं हो कि कोई भी उठ के आ जाए और वो बोले कि मैं कुरान पाक पढ़ा लेता हूँ। इन्होंने सिर्फ अपना ये मेयार सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये पहले टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद टीचर को क्वालिफाई करते हैं और जब वो क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद वो स्टूडेंट्स को देते हैं, ताकि इनका स्टैंडर्ड ख़राब नहीं हो। और इसकी रेटिंग जो 4.9 है उसकी वजह भी यही है। तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, आपका एक्सेंट अच्छा है, आप अच्छे तरीके से तजवीद कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़ा सकते हैं, या आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, तब आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आपको जो मैंने दूसरे मेथड्स बताए हुए हैं इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वो वाले सीख सकते हैं। फिर दूसरा जो आपको यहाँ पर पेमेंट वाली बात बताई गई है वो मैंने आपको दिखा दिया है, वो डायरेक्टली आपने अपने स्टूडेंट से लेनी है। अब स्टूडेंट से बाहर से कैसे मंगवानी है उसके बहुत सारे तरीके हैं, तो बाहर से पैसे मंगवाना अपने बैंक अकाउंट में ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप उनको अपना मेथड बता दीजिएगा, आपके अकाउंट में वो उस तरीके से पैसे भेज दिया करेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपको सिर्फ कुरान पाक पढ़ाना आता है, तो आप ये देखिए आप कितना ज़्यादा सवाब कमाएंगे, और सवाब के साथ साथ आपका कुछ ना कुछ दूसरा भी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान चलता रहेगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई है और ये ऑनलाइन अर्निंग का मेथड भी आपको समझ में आया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ और ऑनलाइन अर्निंग मेथड देखने के लिए देखते रहिए फ्रीलांसिंग विद शिज़ाराना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।